दोस्तों, आपने टीवी इंडस्ट्री में कई अभिनेत्रियों को देखा होगा जो कि सीरियल में अपने किरदार को बखूबी से पर्दे पर उतारती हैं और उनके किरदार को दर्शक खूब पसंद करते हैं, क्योंकि ये अभिनेत्रियां सीरियल में अपनी शानदार एक्टिंग, डायलॉग डिलीवरी से दर्शकों का खूब मनोरंजन करती हैं और साथ ही अपनी खूबसूरती से भी दर्शकों का मन मोह लेती हैं, जिसके चलते आज टीवी इंडस्ट्री की कुछ अभिनेत्रियों का ही बोलबाला है और इसी वजह से उन अभिनेत्रियों की ज्यादा डिमांड रखते हैं प्रोड्यूसर। जी हाँ, तो आखिरकार वो कौन सी अभिनेत्रियां हैं और उनमें से किस अभिनेत्री की सबसे ज्यादा डिमांड रखते हैं प्रोड्यूसर, आइए जानते हैं आज की हमारे इस वीडियो के जरिए। नंबर 8, ऐश्वर्या खरे। लिस्ट के 8वें नंबर पर बात करते हैं अभिनेत्री ऐश्वर्या खरे की, जो भाग्य लक्ष्मी सीरियल में लक्ष्मी के किरदार में नजर आ रही है, जिसमें इनकी एक्टिंग और इनके किरदार को दर्शक खूब पसंद करते हैं और इसी वजह से प्रोड्यूसर के सामने आज ऐश्वर्या खरे की भी काफी ज्यादा डिमांड है। नंबर 7, राधिका मुथुकुमार। ससुराल सिमर का सीरियल में सिमर के किरदार को निभाकर घर घर में मशहूर हो चुकी अभिनेत्री राधिका मुथुकुमार आज किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। बता दे, सीरियल में जहां ये अपनी एक्टिंग के साथ साथ एक अच्छी बहू और अच्छी पत्नी के किरदार को बखूबी से पर्दे पर उतारती है, इसी वजह से मेकर्स के सामने आज राधिका मुथुकुमार की इतनी ज्यादा डिमांड है कि प्रोड्यूसर इन्हें अपने सीरियल में लेने के लिए तरसते हैं। नंबर 6, करिश्मा सावंत। ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में आरोही के किरदार से दर्शकों का खूब दिल जीत चुकी अभिनेत्री करिश्मा सावंत सीरियल में अपने नेगेटिव किरदार से दर्शकों का खूब एंटरटेनमेंट कर रही है। बता दें, सीरियल में इनकी एक्टिंग के साथ साथ इनके जबरदस्त डायलॉग डिलीवरी को दर्शक खूब पसंद करते हैं, तभी तो आज प्रोड्यूसर करिश्मा सावंत को बेस्ट एक्ट्रेस भी मानते हैं। नंबर 5, प्रणाली राठौर। अभिनेत्री करिश्मा सावंत की तरह ही सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अपनी बेबाक एक्टिंग से दर्शकों का खूब मनोरंजन करने वाली अभिनेत्री प्रणाली राठौर भी आज प्रोड्यूसर के सामने काफी ज्यादा डिमांडिंग हो गई हैं। जी हाँ, हर कोई प्रोड्यूसर इन्हें अपने सीरियल में लेने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि प्रणाली राठौर अपने हर एक किरदार को बखूबी से पर्दे पर उतारती है, इसी वजह से प्रोड्यूसर के सामने आज प्रणाली राठौर की काफी ज्यादा डिमांड है। नंबर 4, शिवांगी जोशी। बेगूसराय और बालिका वधू 2 जैसे कई सुपरहिट सीरियल देने वाली अभिनेत्री शिवांगी जोशी की भी डिमांड प्रोड्यूसर के सामने काफी ज्यादा है, क्योंकि ये अपनी एक्टिंग को काफी शिद्दत से पर्दे पर उतारती हैं, साथ ही अपने किरदार में इस कदर ढल जाती हैं कि उनके किरदार को देखकर दर्शक इनके सीरियल को देखना बेहद पसंद करते हैं और इसी वजह से प्रोड्यूसर इन्हें अपने सीरियल में लेने के लिए इन्हें हाई फीस भी देने को तैयार हो जाते हैं। नंबर 3, ऐश्वर्या शर्मा। गुम है किसी के प्यार में पाखी के नेगेटिव किरदार को निभाकर मशहूर हो चुकी अभिनेत्री ऐश्वर्या शर्मा की भी प्रोड्यूसर के सामने काफी ज्यादा डिमांड हो गई है। जी हाँ, क्योंकि ऐश्वर्या शर्मा अपने नेगेटिव किरदार को बखूबी से पर्दे पर उतारती हैं, साथ ही अपनी एक्टिंग में वर्सेटैलिटी लाने की कोशिश करती हैं, इसी वजह से आज प्रोड्यूसर ऐश्वर्या शर्मा को अपने सीरियल में लेने के लिए इन्हें हाई फीस भी देने को तैयार हो जाते हैं। नंबर 2, आयशा सिंह। ऐश्वर्या शर्मा की तरह ही सीरियल गुम है किसी के प्यार में सई के किरदार को निभाकर आज लाखों करोड़ों दर्शकों की चहेती अभिनेत्री बन चुकी आयशा सिंह आज प्रोड्यूसर की पहली पसंद भी बन चुकी हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर को इनकी एक्टिंग और इनकी डायलॉग डिलीवरी बेहद पसंद आती हैं, जो अपने किरदार को इतनी ज्यादा खूबसूरती से पर्दे पर उतारती हैं कि प्रोड्यूसर इन्हें सीरियल में लेने के लिए इनकी हर एक मांग को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नंबर 1, सुरभि चांदना। टीवी इंडस्ट्री में अगर किसी अभिनेत्री की प्रोड्यूसर के सामने सबसे ज्यादा डिमांड है तो वो अभिनेत्री सुरभि चांदना है, जो कि इन दिनों शेर दिल शेर गिल सीरियल में आने की वजह से काफी ज्यादा सुर्खियों में छाई हुई है, क्योंकि इस सीरियल के प्रोमो में ही इनके जबरदस्त एक्टिंग और इनके अंदाज को देखकर इनके सीरियल को देखने के लिए दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इसी वजह से प्रोड्यूसर के सामने सुरभि चांदना की काफी ज्यादा डिमांड है और प्रोड्यूसर इन्हें सीरियल में काम करने के लिए मुंह मांगी फीस भी देने को तैयार है। तो दोस्तों, इन अभिनेत्रियों में से आपको किस अभिनेत्री की एक्टिंग सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही और तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।